नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं सुनील लेकर के आया हूँ एक इसकी हिस्ट्री की एक बेहतरीन पीपीटी। वो क्वेश्चन जो हर बार आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। कल हमने टॉप 10 हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे उसी के आधार पे आज एक और पीपीटी हम करने जा रहे हैं। तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो आपको क्या काम करना होगा, इनके आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिए और बताइए। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, और आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कानपुर, इलाहाबाद, बम्बई या फिर मद्रास। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन आंसर आना शुरू हो गया है। पवन नायक, बी प्रिया मारवल, बी इलाहाबाद। देखते हैं अभी एक बार, लगभग सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आपको पहले ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले तो मुझे बताइए कि स्थापना जो हुई थी ना, ये कब होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए सभी का आंसर बी आ रहा है, लेकिन बी नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी आपको बताएंगे यहाँ पे 1885 में क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अब किसी का ए आंसर भी आ रहा है, कानपुर, कानपुर भी नहीं हो सकता। अभी डिस्कस करते हैं एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, बताइए जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, बताइए जल्दी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपने नाम सुन रखा होगा, डब्ल्यू सी बनर्जी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। अब हमें ये देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी ना, तो ये 1885 के अंदर बनती है। 1885 से लेकर के 1947 तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का क्या हुआ करता था, दिसंबर के महीने में एक बैठक होती थी। उस बैठक को क्या नाम दिया गया था, तो अधिवेशन का। लेकिन बीच में कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसा समय आया था कि जिसमें अधिवेशन नहीं हो पाए थे। जैसे एक तो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और एक दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, इस दौरान क्या होता है कि कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। अब इसने पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, आपको क्या काम करना है, इस प्रकार से ये जो ट्रिक है ये आपके सामने है, और इससे क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन कहां कहां पर हुए थे। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है, ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है, ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन है। अब आपको ये देखना है कि जैसे बैस है यहाँ पे क्या बनता है, तो बंबई बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पर हुआ था, बंबई के अंदर हुआ था। दूसरा यहाँ पे बनता है कलकत्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता के अंदर हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कलकत्ता, और तीसरा जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था, तीसरा कहाँ पे होता है, तो मद्रास के अंदर।
और चौथा जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर होता है, तो इलाहाबाद के अंदर हुआ था। चौथा अधिवेशन कहाँ पे होता है, इलाहाबाद के अंदर। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि पांचवा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, छठा अधिवेशन और सातवां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये पहले सात अधिवेशन की एक ट्रिक बनती है कि बक मई बकना, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो बक मई बकना। अब यहाँ से फिर वापिस क्या बन जाएगा, तो बम्बई बन जाएगा, यहाँ से वापिस क्या बन जाता है तो कलकत्ता बन जाता है, और यहाँ से वापिस क्या बन जाता है तो ये नागपुर आपका बन जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो सात अधिवेशन है इनकी ट्रिक आपके सामने है कि बक मई बकना, ये जो आपकी ट्रिक रहेगी इससे क्या हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले सात अधिवेशन है ना वो आपको अच्छी प्रकार से पता लग जाता है। तो पहला हुआ था बम्बई के अंदर, दूसरा कहाँ पे होता है कलकत्ता, तीसरा कहाँ पे हुआ था मद्रास के अंदर, चौथा इलाहाबाद, पांचवा होता है बम्बई के अंदर, छठा अधिवेशन कलकत्ता के अंदर, सातवां कहाँ पे होता है नागपुर के अंदर। अब आगे हम इसी में कोई एक कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये तो वो अधिवेशन है पहले सात जो आपको याद करने की एक मैंने ट्रिक बताई है। अब कुछ ऐसे अधिवेशन है कांग्रेस के जो इंपोर्टेंट बन जाते हैं जिसमें आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तो आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में आपको ये बताना है कि किस अधिवेशन में सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है, तो आपको ये बताने हैं कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद में आप बताइए कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आपको ये बताना है कि पहली बार जो है राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में या फिर कब गाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो वंदे मातरम जो है ये आपका 1896 के अंदर क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है इसको पहली बार गाया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय गान जो है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था तो यहां पर 1911 में क्या होता है, कांग्रेस का 26वां अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था 1911 के अंदर। 1911 में राष्ट्रीय गान जो है ये आपका पहली बार गाया गया था। अगर पूछ ले कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था तो अधिवेशन होता है 1896 के अंदर, कौन सा अधिवेशन था तो 11वां अधिवेशन था। अगर यहाँ पर पूछे कि राष्ट्रीय गान जब गाया गया था तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था तो अधिवेशन हुआ था 26वां, बात कब की है 1911 की। यहाँ पर ये कई बार ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये पहले सात अधिवेशन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कांग्रेस की स्थापना कब होती है तो 1885 के अंदर। अब आपको कुछ क्वेश्चन इसी में से बताने हैं। बताइए कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। और साथ में कल जो हमने डिस्कस किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और फिर आपसे पूछ सकता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है इनका आंसर दीजिए। बताइए कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। पूजा राजपूत, थैंक यू। बताइए प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हुआ करते थे जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले।
अगर पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट जो है ये कब बनी थी, तो 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार क्या होता है कि कोई महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अब आपको ये बताना है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो हुआ करती थी, यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया होगा कि 1925 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, उसमें किसको बनाया गया था, तो सरोजनी नायडू को बनाया गया था। सरोजनी नायडू ये थी, क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन, या फिर मैं कह दूं कि एक अधिवेशन ऐसा था जो आपको याद रखना है, और वो अधिवेशन कौन सा है, एक अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो लाहौर के अंदर हुआ था। कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1929 का दिन था। और ये अधिवेशन इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इस अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराते हुए एक घोषणा की थी कि भारत क्या काम करेगा, आने वाली 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। तो इसीलिए आपको ये अधिवेशन भी याद रखना है कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो लाहौर के अंदर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत अपना क्या मनाएगा, पहला स्वाधीनता दिवस मनाएगा। इसीलिए तो अगर सही रूप में देखा जाए तो 31 दिसंबर 1929 को जब घोषणा हुई, तो डेट कौन सी रखी गई थी, 26 जनवरी। अब 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब होता है, 26 जनवरी को। इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए भारत के संविधान को 2 महीने डिले किया गया था, या 2 महीने देरी से लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई के अंदर हुआ था। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है, बम्बई के अंदर। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रह जाएगा। बाकी मैंने आपको पहले 7 अधिवेशन करवा दिए हैं, और कुछ ऐसे अधिवेशन जैसे एक तो राष्ट्रीय गान वाला और राष्ट्रीय गीत वाला, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बम्बई के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सत्यार्थ प्रकाश, इंडिया विंस फ्रीडम, लाइफ डिवाइन। आपको ये बताना है कमेंट करके कि किस पुस्तक के रचयिता या किस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, कौन सी पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, बताइए कौन सी पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है किसकी है, पंडित नेहरू के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित नेहरू है ये क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये जब देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947, तब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये कब तक रहे थे, तो ये 1964 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे।
आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहले सामान्य चुनाव कब हुए थे। तो भारत में पहले सामान्य चुनाव होते हैं 1952 के अंदर, और 1952 में जब सामान्य चुनाव हुए थे ना, तो फिर से यहाँ पे भारत के निर्वाचित जो प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लगातार 1947 से लेकर के 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू की मृत्यु कब होती है? तो 1964 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनके बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री, वो भी 2 वर्ष तक ही रहे थे, 1964 से लेकर के 66 तक। संजू रानी, ऑप्शन आ रहा है बी, सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कि सत्यार्थ प्रकाश जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक या रचयिता कौन है? और लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए और बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसकी है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी ये पुस्तक रहेगी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लाइफ डिवाइन, तो ये आपकी पुस्तक रहेगी अरविंद घोष की। ये पुस्तक किसकी आती है? तो अरविंद घोष की ये पुस्तक रहेगी। तो ये थे आपके 4 ऑप्शन। पूछा गया था कि निम्न में से किस पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, सत्यार्थ प्रकाश। बाकी के 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 1915, 1916, 1917 और 1918। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? कीजिए कमेंट और बताइए। ऑप्शन आ रहा है 1917, सी नहीं, सी नहीं हो सकता। संजू रानी, सी नहीं हो सकता, सी गलत है, सी गलत है, क्योंकि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। रामकुमार शुक्ला के कहने पे गए थे बिहार के चंपारण, तो वो तो चंपारण सत्याग्रह था। देखिए, अगर हम बात करें 1915 की, तो यहाँ पे एक डेट निश्चित होती है 9 जनवरी की। 9 जनवरी 1915 को क्या होता है? महात्मा गांधी जो है ये भारत वापिस आते हैं। महात्मा गांधी जो है ये भारत वापिस लौटते हैं, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। यानी महात्मा गांधी जो है ये पहले दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1916 यहाँ पे नहीं हो सकता, गलत है। तो 1915 को हमने डिस्कस किया कि 9 जनवरी 1915 ये वो समय था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत में लौटते हैं। इसीलिए तो कई बार जो क्वेश्चन आता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर हम बात करें 1916 की, तो 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ के अंदर होता है। लखनऊ के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, या मैं कह दूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या होता है, एक संयुक्त अधिवेशन होता है 1916 के अंदर। और ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ के अंदर।
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त अधिवेशन होता है लखनऊ में, तो इसका सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये इसके क्या थे, अध्यक्ष हुआ करते थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्षता इसके द्वारा की गई थी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन होता है 1916 के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें 1917 की, तो 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर। ये चंपारण कहाँ पे पड़ता है, तो बिहार में एक क्षेत्र है चंपारण। तो यहाँ पे क्या होता है, राम कुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में जाते हैं और वहां पर जो खेती हो रही थी नील की खेती, जिसको बोलते हैं तीन कटिया पद्धति, इसको समाप्त करवाने के लिए या इसके खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी वहां पे गए थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर होता है। लास्ट ऑप्शन बच गया 1918, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1918 में महात्मा गांधी क्या काम करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। और ये खेड़ा कहाँ पे पड़ता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। खेड़ा भारत के कौन से क्षेत्र का हिस्सा है या कौन से स्टेट का हिस्सा है? खेड़ा भारत के कौन से स्टेट का हिस्सा है, जल्दी से बताइए, बताओ रे, बताओ। खेड़ा भारत के कौन से क्षेत्र का हिस्सा है, कौन से स्टेट में आता है खेड़ा? जैसे हमने देखा था चंपारण, तो चंपारण तो बिहार के क्षेत्र है, उसी प्रकार से पूछ ले कि खेड़ा सत्याग्रह तो कब हुआ था, 1918 के अंदर। किसानों के खिलाफ में क्या थे, कि किसानों के जो टैक्स बढ़ गए थे, इस टैक्स को कम करवाने के लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह किया था, उसका नाम आता है खेड़ा सत्याग्रह। एमपी नहीं, खेड़ा जो है ये आपका पड़ता है गुजरात के अंदर। खेड़ा कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात के अंदर एक स्थान का नाम आता है, एमपी नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कि महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, तो 1918 के अंदर किया था। 1917 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, ये क्वेश्चन कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1942 के अंदर होती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था, 1918 के अंदर। क्लियर हुआ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पवन नायक 1942, बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1942। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री के वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। आपको क्या काम करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और इसके नोट्स बना लो, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। पहले क्वेश्चन को देखो, इसने पूछा क्या है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, बात कर रहा है ऑल ओवर यूनिवर्स यानी विश्व की बात कर रहा है, ये भारत की बात नहीं कर रहा है। तो विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है ये था तक्षशिला, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा।
तक्षशिला अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कहां पर आता है, तो तक्षशिला वर्तमान में है पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में कहां पर है, तो पाकिस्तान के अंदर आता है। अगर आपसे पूछे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है, भारत का पहला विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कौन से क्षेत्र में पड़ता है? नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों भारत के ही विश्वविद्यालय हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ पर पढ़ते हैं बताइए। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, द फ्लो यूट्यूबर, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन नालंदा बता दिया मैंने कि नालंदा जो है ये नालंदा नहीं हो सकता, नालंदा भारत का पहला विश्वविद्यालय है। आपको ये बताना है कि विश्व का पहला कौन सा, तो तक्षशिला है। अब आपको ये बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कौन से स्टेट में है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कौन से क्षेत्र में है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ध्यान रखना, नालंदा और तक्षशिला ये दोनों के दोनों कहाँ पे पढ़ते हैं, तो बिहार के अंदर आते हैं। दोनों के दोनों विश्वविद्यालय कहाँ पे आते हैं, बिहार के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त जो गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ ले नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट करवाया गया था, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट करवाया था। तो हमने कभी डिस्कस किया होगा कि एक व्यक्ति का नाम आता है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये व्यक्ति क्या हो जाता है कि एक बार बीमार पड़ जाता है, जब ये व्यक्ति एक बार रोगी हुआ, तो इसके दो आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे, उनसे सही नहीं हुआ था ये व्यक्ति। फिर यहाँ पे किसी ने सलाह दी कि आपको क्या काम करना चाहिए, भारत के अंदर एक विश्वविद्यालय आता है नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको बुलाना पड़ेगा। और वही हुआ कि इनके द्वारा बुलाया जरूर गया था, लेकिन बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर से किसी प्रकार की जो दवा है ये नहीं लूंगा मैं। तो उन्होंने क्या काम किया था, एक पुस्तक के ऊपर दवा का लेप भी लगाया था और कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पुस्तक पढ़नी है और आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। ऐसा ही कुछ हुआ, बख्तियार खिलजी ने कुछ पेज उस पुस्तक के पढ़े और वो जैसे जैसे पेज पढ़ता गया वो ठीक होता गया। इसके बाद में बख्तियार खिलजी को क्या होता है, काफी गुस्सा यहाँ पे चढ़ता है और पूरा का पूरा नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसको नष्ट करवा दिया था। तो ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों के दोनों कहाँ पर है, इंडिया में। अगर पूछे विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। अगर पूछे भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी, हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए, हर्षवर्धन ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी। अगर ये बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की, तो कौन से वंश की बात कर रहा है, तो वर्धन वंश की बात कर रहा है, या मैं इसे कह दूं कि पुष्यभूति वंश की बात कर रहा है, ये पुष्यभूति वंश की बात कर रहा है। पुष्यभूति वंश का एक संस्थापक हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यभूति, उसी के नाम पे इस वंश का नाम पड़ गया था पुष्यभूति वंश, और इसी का एक शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी। ऑप्शन है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, और ऑप्शन रहेगा सभी। क्या ये सभी की सभी जो पुस्तक है हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई थी? संजू रानी का ऑप्शन आ रहा है डी, प्रियंका रानी डी, सभी। तो एक बात तो यहाँ पे एक तय बन जाती है ना कि जिस ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी या फिर सभी लिखा मिले ना, तो लगभग ऐसा स्टूडेंट श्योर मान लेता है कि वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शन बी बी नहीं हो सकता, ऑप्शन रहेगा इसमें डी, सभी के सभी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रत्नावली हो,
प्रियदर्शिका हो या नागानंद हो, ये सारी की सारी जो नाटक है, ये सभी के सभी क्या है, नाटक किसके द्वारा लिखे गए थे? तो हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखे गए थे। आपको ये बताना है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आता है जिसने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में काफी समय तक अध्ययन भी किया था? तो आपको ये बताना है कि हर्षवर्धन के समय वो व्यक्ति या जो चीनी यात्री कौन था जो भारत में आता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। बबलू टोक, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, बताइए जल्दी से। कि ये तो हो गया कि तीनों के तीनों क्या है, नाटक, और इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, सभी वाला आ जाएगा। लेकिन कौन सा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है? तो आपने नाम सुन रखा होगा ह्वेन सोंग का। ह्वेन सोंग जो है ये कहाँ पर आता है, तो भारत के अंदर आता है। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। आपको बताना है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन का दरबारी कवि, नाम सुन रखा होगा बाण भट्ट। ये बाण भट्ट ही क्या था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता लग गया, कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी, सभी। सभी की सभी जो नाटक है किसके द्वारा लिखे गए थे? हर्षवर्धन के द्वारा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, मेदिनी राय या फिर औरंगजेब। 1539 में हुमायूं को जो चौसा का युद्ध होता है, इस युद्ध में किसने पराजित किया था? बात कर रहा है किसकी, हुमायूं की। तो ध्यान रखना कि हुमायूं जो है ये 1530 में अपना राजपाट संभालता है, यानी राज्याभिषेक करवाता है, क्योंकि 1530 में क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में, सॉरी, जब बाबर की मृत्यु होती है, 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है ना, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में हुमायूं शासक बनता है। तो हुमायूं जो है 1530 से लेकर के 40 तक रहा था, और बाद में क्या हो जाता है कि 40 में भारत में एक प्रकार से मुगल वंश की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी थी। और मुगल वंश की समाप्ति होने के बाद में भारत में कौन से वंश की शुरुआत हुई थी? तो सूरी वंश की स्थापना होती है। और सूरी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा। लेकिन बाद में हुमायूं जो है ये 1555 के अंदर वापिस भारत के अंदर लौटता है। तो देखते हैं पूरी घटना यहाँ पे क्या हुई थी। हुमायूं जो है ये 1530 से लेकर के 40 तक भारत का शासक रहा था। अब इसमें क्या हुआ था कि एक तो 1539 के अंदर चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 में क्या होता है, चौसा का युद्ध होता है, और 1540 में एक और युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम क्या आता है, तो कन्नौज या फिर बिल्लग्राम का युद्ध होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों युद्ध जो है ना, किस किस के बीच में लड़े गए थे? तो एक तरफ था हुमायूं और दूसरी तरफ कौन था, शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच में दो युद्ध होते हैं, एक तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, इसमें भी किसकी हार होती है, तो हुमायूं की हार होती है, और इस युद्ध के अंदर भी किसकी हार होती है, तो हुमायूं की हार होती है। दोनों युद्धों को हारने के बाद यहां से क्या हो गया था, हुमायूं जो है ये एक टाइम के लिए ईरान भाग गया था, और ईरान से वापस कब आता है, तो 1555 के अंदर आया था। और पीछे 1540 में भारत में कौन से वंश की स्थापना हो गई थी, सूरी वंश की स्थापना हो गई थी। और सूरी वंश की जो स्थापना है ये किस शासक के द्वारा की गई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। शेरशाह सूरी के अगर आपसे पूछ ले कि बचपन का नाम क्या था, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बताइए, तो इसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। और शेरशाह सूरी जो है ये
इसके बचपन का नाम था फरीद खां, इसने सूरी वंश की स्थापना की थी, तो ये संस्थापक पूछ सकता है। एक कैमर क्वेश्चन बन जाता है कि किस शासक की मृत्यु उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय हुई थी? सूरी वंश के किस शासक की मृत्यु उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय हुई थी? तो वो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ये 1540 से लेकर के 1545 तक ही रहा था और 1545 में शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, यानी पहला ही ऑप्शन यहां पे रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सिख गुरु को जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे की सहायता करने के लिए फांसी दी थी? देखो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको ऑप्शन में दे रखा है गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। और इसने पूछा है पवन नायक, प्लीज स्लो सर, स्लो ही चल रहा हूं वैसे तो मैं, लेकिन थोड़ा और स्लो चल लेता हूं कोई ना। किस सिख गुरु को, ठीक है कोई ना स्लो ही चलेंगे अभी। किस सिख गुरु को जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे की सहायता के लिए फांसी दी थी? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और बताइए कौन सा इसमें आंसर आएगा। पहले तो मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि क्या आपको सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं सभी के नाम याद होने चाहिए कि सिखों के 10 गुरु कौन थे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सिखों का पहला गुरु कौन था, तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव हुआ करते थे, गुरु नानक देव। अब आप मुझे बताइए सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? पवन नायक ऑप्शन दे रहे हैं सी, गुरु अर्जुन देव। बिल्कुल बढ़िया, सही ऑप्शन तो यही रहेगा, गुरु अर्जुन देव। हुआ यूं था कि जब जहांगीर का एक बेटा हुआ करता था खुसरो शाह या खुसरो, ये क्या काम कर देता है? जहांगीर के खिलाफ में बगावत कर देता है। ये जहांगीर के खिलाफ में क्या कर देता है? बगावत कर देता है। और इस बगावत में जो सिखों के पांचवें गुरु हुआ करते थे ना, वो गुरु अर्जुन देव थे। ये सिखों के क्या थे? पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या काम किया था? इस बगावत के अंदर जहांगीर के बेटे खुसरो शाह का साथ दिया था, इसीलिए गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस मुगल शासक के द्वारा सिखों के पांचवें गुरु को फांसी दी गई थी, तो उस व्यक्ति का नाम क्या रहेगा यहां पर? जहांगीर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो सिखों के नौवें गुरु हुए थे गुरु तेग बहादुर, ये क्या थे? ये सिखों के नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। आपको बताना है कि इनको भी किसी मुगल सम्राट के द्वारा ही इनकी हत्या की गई थी। तो बताइए सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? एक तो हमने देख लिया है कि जो सिखों के पांचवें गुरु है अर्जुन देव, इनकी जो हत्या है वो तो जहांगीर ने की थी, वो तो हो गया मुगल सम्राट। इसके अलावा सिखों के जो नौवें गुरु हुआ करते थे गुरु तेग बहादुर, इनको भी यहाँ पे क्या किया गया था? इनकी भी हत्या की गई थी। तो बताना है किस मुगल सम्राट के द्वारा की गई थी? आपको ये बताना है कि किस मुगल सम्राट के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या की गई थी। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सिखों के जो नौवें गुरु हुआ करते थे वो थे गुरु तेग बहादुर, इनकी जो हत्या की गई थी ना वो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। इनकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो मुझे बताइए सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु, तो सिखों के दूसरे गुरु हुआ करते थे अंगद। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? सिखों के चौथे गुरु थे रामदास। ये थे सिखों के चौथे गुरु रामदास। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। बताइए सिखों के छठे गुरु कौन थे?
हर गोविंद सिखों के छठे गुरु थे। हर गोविंद सिखों के सातवें गुरु का नाम बताइए। हर राय, हर राय सिखों के आठवें गुरु कौन थे। हर किशन सिखों के आठवें गुरु कौन थे, तो हर किशन। सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ये सिखों के नौवें गुरु थे। और सिखों के दसवें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के दसवें गुरु हुआ करते थे। ठीक है, तो आपको ये 10 के 10 गुरुओं के नाम याद होने चाहिए कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। अच्छा, इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से किस गुरु ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी ना, वो गुरु नानक देव के द्वारा ही की गई थी। इनमें से आपसे ये पूछ ले कि किस गुरु के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी, या फिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था। जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए और बताइए कि सिखों के किस गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, अगर हम बात करें गुरु रामदास की, तो गुरु रामदास ने क्या काम किया था, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ना, इसका निर्माण कार्य शुरू जो करवाया था, वो तो गुरु रामदास ने करवाया था। क्योंकि यहाँ पे अकबर के द्वारा कुछ भूमि दान में दी गई थी, उस भूमि के ऊपर सबसे पहले अमृतसर की स्थापना होती है, और इस अमृतसर में क्या होता है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना होती है। लेकिन स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था। और निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था, तो सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। अगर आपसे पूछ ले कि सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो सिखों के जो छठे गुरु हुआ करते थे हर गोविंद, उन्होंने क्या काम किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी। अकाल तख्त की जो स्थापना की गई थी, वो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के द्वारा की गई थी। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, गुरु अर्जुन देव। और एक आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवाई थी, तो वो थे गुरु तेग बहादुर। वही यूं था कि गुरु तेग बहादुर के नाम पे ही दिल्ली के अंदर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम आता है शीशगंज गुरुद्वारा। नाम सुन रखा होगा, चांदनी चौक के आसपास आता है शीशगंज गुरुद्वारा। और ये शीशगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की याद में ही वहां पे बनाया गया था। ठीक है, तो ये थे सिखों के गुरु जो मैंने आपको करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ये बताना है कि जितनी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, उनमें से सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी। सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, बताइए। निम्न में से सबसे पहले आने वाली, अन्नू ने ऑप्शन दिया है बी पुर्तगाली, बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पे रहेगा। इसने पूछा क्या है कि सबसे पहले भारत आने वाली, भारत आने वाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, वो थे पुर्तगाली। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ये पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी आपको याद होगी, और 1498 ईस्वी के अंदर एक शासक भारत में आता है जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये 1498 ईस्वी के अंदर भारत आता है। आपको यह बताना है कि पवन नायक ऑप्शन दे रहे हैं बी, बी ऑप्शन आ रहा है, तो पुर्तगाली ही रहेंगे यहां पे। क्योंकि 1498 ईस्वी के अंदर क्या होता है, वास्को डिगामा पहली बार भारत के अंदर आते हैं, और ये पुर्तगाल से वहां पे आए थे। और आपको ये बताना है कि वास्को डिगामा का भारत में स्वागत किसके द्वारा किया गया था,
और वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के कहाँ पर या कौन से तट पर आए थे? आपको ये बताना है कि वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के कौन से क्षेत्र में एंट्री करते हैं? पवन नायक कह रहे हैं आई थी वो बी है पुर्तगाली और जाने वाली क्या है डी अंग्रेज। अंग्रेजों से बाद में भी एक कंपनी गई थी वो भी आपको पता होनी चाहिए, बताएंगे आपको। मेन ऑप्शन यही रहेगा अगर पूछे कि सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली यूरोपीय कंपनी तो पुर्तगाली ही थे, एक ही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे पुर्तगाली ही थे, क्योंकि 1961 के अंदर गोवा याद होगा आपको गोवा इन्हीं के अधिकार से छीना गया था। 1961 तक भारत में थे ये, आए कब थे 1498 ईस्वी के अंदर। कौन सा व्यक्ति आता है वास्को डिगामा, आपको बताना है कि वास्को डिगामा भारत के कौन से तट पे आया था। तो नाम सुन रखा होगा केरल का कालीकट, ये आता है केरल में कालीकट नाम का जो तट था वहां पर आता है। और इसका स्वागत किसके द्वारा किया गया था, तो स्वागत किया गया था जमोरिन नाम के एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने इसका स्वागत किया था। तो जमोरिन ने क्या काम किया था वास्को डिगामा का भारत में आने पे स्वागत किया था। आया था 1498 ईस्वी के अंदर, जब ये भारत से वापिस गया था तो वापिस क्या होता है कि अपने साथ में कुछ मसाले वगैरह लेकर के गया था, ठीक है ना। और ये मसाले वहां पर जब इसने ले जाकर बेचे थे तो 60 गुना कीमत इसको वहां पर मिल जाती है भारत से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भारत में पहले आने वाली कंपनी कौन सी थी, पुर्तगाली। अंग्रेजों की बात करोगे तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो सन 1600 ईस्वी के अंदर होती है। पहला अंग्रेज मिशन जो भारत में आया था वो जहांगीर के दरबार में आता है 1605 के आसपास, और दूसरा अंग्रेज मिशन भी जहांगीर के दरबार में ही आया था। दूसरे अंग्रेज मिशन को व्यापार करने की यहाँ पे अनुमति मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि सबसे पहले भारत आने वाली और सबसे लास्ट में जाने वाली कंपनी कौन सी रहेगी, पुर्तगाली ही रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, पायनियर, बंगाल गजट, पायनियर, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, संवाद, कौमुदी। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, भारत का पहला समाचार पत्र जल्दी से बताइए, भारत का पहला समाचार पत्र। एक भी अभी तक आंसर नहीं आया है, पायनियर है कि बंगाल गजट है कि हिंदुस्तान टाइम्स है तो संवाद कौमुदी है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र हुआ करता था, 1780 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था, ये 1780 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी लैंग्वेज में या कौन सी भाषा के अंदर ये प्रकाशित होना शुरू हुआ था तो सबसे पहले इंग्लिश भाषा के अंदर प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। विवेक लोहानी ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक, बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा, विलियम बेंटिंक। 1829 के आसपास क्या हो जाता है, विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन की
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल जो विभाजन हुआ था ये कब होता है, तो 1905 के अंदर होता है। किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय के अंदर ही हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, बी ऑप्शन रहेगा विलियम बेंटिंक, जिन्होंने 1829 के अंदर सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आज की क्लास के टॉप 10 क्वेश्चन। कल इसी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने में फिर से लेकर के आऊंगा कोई एक पीपीटी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।